मसला सिर्फ 5 अगस्त 2019 के बाद 7 कश्मीरी पंडितों की हत्या का नहीं है, सवाल उससे भी बड़ा है। आखिरकार एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आखिर कब तक कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग होगी? और आखिर क्यों घाटी में नहीं रुक रही टारगेट किलिंग की वारदातें? इन तमाम सवालों के जवाब कुछ आंकड़ों में छिपे हैं, जिसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आतंकियों की बौखलाहट आप समझ जाएं कि आखिर आतंकी क्यों बार बार कश्मीरी पंडितों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी घाटी में निशाने पर ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कब कब कैसे कैसे निशाने पर आए कश्मीरी पंडित। 370 हटने के बाद और 370 हटने से पहले कब कब कैसे रची गई साजिश कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, आतंकियों की साजिश को बेनकाब करते कुछ आंकड़ों को आपको भी देखना चाहिए। सबसे पहला आंकड़ा देखिए उस सवाल के साथ कि 370 हटने से पहले की स्थिति क्या थी। 2016 से लेकर 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि 530 आतंकी घटनाएं हुई थी, और अब देखिए 370 हटने के बाद की तस्वीर। ये बताते हैं आंकड़े 2019 और 22 तक के बीच में 426 आतंकी घटनाएं होती हैं। अब देखिए 370 हटने के बाद कितने जवान शहीद हुए, ये आपके जहन में भी सवाल होगा। और इस सवाल का जवाब ये है कि 2016 से लेकर 2019 तक की तस्वीर बताती है कि 306 जवानों ने आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हुए, जबकि 370 हटने के बाद यानी 2019 से 2022 तक के बीच में 127 जवान शहीद होते हैं। यानी आतंकियों की बौखलाहट इसी बात की है कि आतंक के खिलाफ सेना ने चुन चुन कर आतंकियों को ढेर किया। ये बात क्यों, तो अब ये आंकड़ा भी देख लीजिए। 2016 से लेकर 2019 तक का आंकड़ा बताता है कि 370 हटने से पहले लगभग 700 आतंकियों पर हमारे जाबाज जवान कहर बनकर टूटे, जबकि 370 हटने के बाद 2019 से लेकर 2022 तक के बीच 585 आतंकियों को जहन्नुम में भेजने का काम हमारी सेना के जाबाज जवानों ने किया। अगर बात 370 हटने से पहले 2016 और 2019 तक के बीच के आंकड़ों की बात करें, तो कुल 170 नागरिकों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, जबकि 370 हटने के बाद 2019 से 2022 तक के बीच में 110 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि कितने कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया। कुल मिलाकर 6514 कश्मीरी पंडितों के परिवार प्रभावित हुए, जिसमें से कुलगामा में 2639, बड़गांव में 1204, अनंतनाग में 808, पुलवामा में 569, जबकि श्रीनगर में 455। वहीं शोपिया के आंकड़े भी हैरान करते हैं, यहां भी 320 कश्मीरी पंडितों के परिवार प्रभावित हुए। वहीं बारामूला में भी 294 कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर आए। यानी इन आंकड़ों से एक बात तो पता चलती है कि कश्मीर में आतंकी किस हद तक सेना के हौसलों के आगे पस्त हुए हैं। आखिरकार किस तरह से सेना ने घाटी से पाकिस्तान प्रस्त और पाक के पाले हुए आतंकियों को मौत की नींद सुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।